दोस्तों जिराफ को तो अक्सर आप देखते होंगे या तो चिड़ियाघर में या फिर किसी नेशनल पार्क में। यह सभी थलीय पशुओं में से सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। ये अपनी लंबी गर्दन, टांगे और अपने खास सींगों की वजह से विशेष रूप से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी गर्दन आखिर लंबी क्यों होती है? आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ और जिराफ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दिए घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना और हाँ, वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों जिराफ ऊंट की तरह एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घास खाने वाला जानवर है और उसकी वजह से उसके शरीर में हमेशा नमी बनी रहती है। एक बात और हैरान करने वाली है कि जिराफ बिना पानी पिए ऊंट की तुलना में ज़्यादा चल सकता है। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे में भी दौड़ना शुरू कर देता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन करीब 100 किलो होता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इंसानों की तरह जिराफ के भी 32 दांत होते हैं। वैसे तो जिराफ मूल रूप से अफ्रीका का जानवर है लेकिन अब ये दुनिया भर में कई देशों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। एक नर जिराफ की ऊंचाई 18 फीट होती है। इनकी तो गर्दन ही सिर्फ 6 फीट या 8 फीट की होती है जबकि पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है। यानी धरती पर रहने वाले औसतन इंसान जिराफ के पैरों से भी छोटे होते हैं। जिराफ के सबसे करीबी रिश्तेदार लेकिन छोटी गर्दन वाले ओकापी के साथ तुलना करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इनकी गर्दन क्यों लंबी होती है। दोस्तों इनकी लंबी गर्दन का विकास समय के कुछ जेनेटिक बदलाव से हुआ है। इनका हृदय का विकास भी कुछ जेनेटिक बदलाव से ही हुआ है। हालांकि इनकी लंबी गर्दन को लेकर अभी भी कुछ विवाद है जिसे सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनकी लंबी गर्दन का विकास समय के कुछ जेनेटिक बदलाव से हुआ है और इसी कारण ये हमें लंबी दिखती है। हालांकि अभी भी इसको लेकर कुछ विवाद है जिसे सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो दोस्तों जानकारी किस लिए कि इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्क्रीन पे जो तो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वॉच जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।